अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट टू शेयर करने जा रहा हूं। जिस तरह से कल आप लोगों के साथ मैंने एक्सक्लूसिव अपडेट शेयर की एलईडी स्क्रीन के हवाले से, टफटाइलों के हवाले से भी आप लोगों को एक्सक्लूसिव अपडेट्स थी, तो आज मैं आप लोगों को बी स्टैंड का टूर करवाने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर बी स्टैंड पर भी नया काम जारी था स्टेडियम में। तो इंशाल्लाह वो देखेंगे कि कहाँ तक पहुँच गया है। इसके साथ साथ सर्फेस आप लोग देख लें कितना नीट एंड क्लीन कर दिया है, कटाई बिल्कुल 100% कम्प्लीट है अब स्टेडियम में। अब सिर्फ जो एलईडी लाइट्स के लिए ऊपर आप लोग ट्रसेस देख रहे हैं, इसके लिए अभी तैयारियां ये लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ काम है जो कि निपटाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर ये काम शुरू होगा। तो चलिए भाई फटाफट से मैं जाता हूँ बी स्टैंड, आप लोग वीडियो को तब तक लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, चलते हैं सीधा। जी व्यूअर्स, फाइनली मैं VIP स्टैंड के बिल्कुल ठीक बी स्टैंड पे आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो पर टॉप पे चिप्स पे भी काम जारी था लास्ट वीक, तो वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। इसके साथ साथ ये जो सेक्शन आप दो देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ वर्कर्स वहाँ से जो ग्रास वगैरह है उसको बोरियों में लेकर जा रहे थे, लेकिन अब देखें नीट एंड क्लीन जब कर दिया है तो किस तरह से आप लोगों को लग रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। ग्रास को इग्नोर करें, बहुत से लोग कहते हैं कि शाहिद भाई ये ग्रास क्यों ख़राब हो गई है, रंग बिल्कुल इसमें इससे चली गई है, जो ग्रीनरी यहाँ पे हम देख रहे थे आज से 40 दिन पहले उस तरह से नहीं है। लेकिन देखें मौसम चेंज हुआ है ना, पानी भी नहीं दिया गया था, काम भी रुक गया था, तो जाहिरी बात है जब ख्याल नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो इस तरह होगा ना। खैर ये आगे जो दो सेक्शन आप देख रहे हैं आप लोग को मैं ये दिखाने वाला हूँ। तो ये है भाई आप लोग के वो दो सेक्शन, यहाँ पर काम हो रहा था, आप देख लें कि बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और अभी आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स ऊपर टॉप पर पहुँच गए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही लेयर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पीछे वहाँ पे कंक्रीट के लिए काम होना था, तो वो मेरे ख्याल से कंप्लीट कर रहे हैं या कर लिया होगा। तो थोड़ा सा ऊपर जाके देख लेते हैं। जी भी बस टॉप पे आते ही आप लोग देख लें कि यहाँ पे पलिस्तर भी कर लिया है कंक्रीट, तो क्या ये देख सकते हैं ऊपर एंड तक वर्कर्स पहुँच चुके हैं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर ये काम हो रहा है जो पलिस्तर कर रहे हैं, तो इसी तरह सेम टू सेम वहाँ पर जो वर्कर्स आप देख रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी आप लोगों को दिखाया था कि काम हो रहा था, लेकिन आज मेरे ख्याल से ये कम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि एक छोटा सा एरिया रह गया है। इसके बाद से कुछ पीछे काम नहीं होना कंक्रीट का, देखते हैं इसके बाद फिर वर्कर्स क्या करते हैं। जी तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। व्यूवर्स ये सेफ्टी ग्रिल्स आप देख लें कि यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, आप लोगों को बताया भी था कि क्लोज व्यू दे दूंगा, तो बहुत ही तेज़ी से इसको कंप्लीट किया है। इससे पहले मैंने इतनी तेज़ी से स्टैंड को कम्प्लीट होता हुआ नहीं देखा। जिस तरह से सामने आप सेफ्टी ग्रिल्स देख रहे हैं, इससे कई गुना तेज़ी से कम्प्लीट किया है और देख लें कि फिक्सिंग यहाँ पर प्रॉपरली हो चुकी है। माशाल्लाह से पूरा का पूरा स्टैंड आप लोगों के सामने है, तो काम तो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। अल्लाह करे कि PSL 9 के लिए ये स्टेडियम रेडी हो जाए। अच्छा, आखिरी सिरे तक मैं पहुंच चुका हूं और आप लोगों को सेफ्टी ग्रिल्स मैंने दिखा दिया, कुछ इसी तरह से आप लोगों को बी स्टैंड से नज़र आएगा। पिचेस आप लोगों के सामने हैं और सेफ्टी ग्रिल्स आप लोग चेक कर लें। मैं थोड़ा सा बैठ भी जाता हूँ, यार क्यों मैं इतना फिर रहा हूँ। आए हाय हाय, मज़ा आ गया भाई। ये देखें मैं अब इस वक्त बिल्कुल नीचे बैठा हूँ, ऊपर नहीं बैठा हुआ। अगर ऊपर बैठूंगा तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, लेकिन खैर यहाँ से भी आप लोग देख लें कि कुछ इसी तरह से आप लोगों को स्टेडियम नज़र आ रहा होगा मैच के दौरान, और कोई व्यू श्यू ब्लॉकिंग का नहीं है सिस्टम यहाँ पर, ईजिली आप लोग मैच को इन्जॉय कर सकेंगे। लेकिन बहुत ही पास है यार पिच एरिया, यहाँ से तो यार आप लोगों को बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के कवर ड्राइव। यहाँ से जब आप खुद देखोगे अपने आँखों से, मतलब नज़दीक से देखना और टीवी में देखने में बहुत फ़र्क है, तो क्या ही मज़ा आएगा। अच्छा हाँ यार, एक चीज़ मैं भूल गया, धूप का भी एक्सपीरियंस आप लोगों को करा देता हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत कड़क धूप पड़ रही है, आप लोग नीचे देख सकते हैं, लेकिन स्टैंड्स ने आप लोगों को बचा दिया है। जो पीछे आप मेम्ब्रेन शीट देख रहे हैं ट्रसेस, इसने बिल्कुल पूरा का पूरा स्टैंड कवर कर दिया है, तो धूप से आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस कोई इशू वगैरह नहीं होना। आप लोग चाहे डे को मैचेस हो या नाइट को, एनी टाइम यहाँ पे मैचेस रख लो, इजीली आप लोग देख सकोगे, कोई परेशानी वरेशानी नहीं है। अच्छा यहाँ मैं आप लोग को एक्सक्लूसिव अपडेट्स मजीद दे देता हूँ। जिस तरह से आप लोग को मैंने ये तो दिखा दिया सेफ्टी ग्रिल्स, लेकिन यहाँ पे अब लाइव काम जारी है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ये उस तरफ पूरा का पूरा सेक्शन रह गया था जो कि आज कम्प्लीट कर लिया गया है, आप लोग चेक कर लें कि लाइव अभी भी काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये भाई आप लोगों ने सुना है यानी मैं बता देता हूँ। देखें अभी वहाँ पे इन लोगों ने फिक्सिंग कर ली है परमानेंटली, लेकिन ये जो तख्ते यहाँ पे अभी लगा रहे हैं ना, इसकी भराई करेंगे कंक्रीट यहाँ पे डाल के, ताकि इसको मजबूती से लगा सके, तो यही कह रहे थे भाई। और माशाल्लाह से यहाँ पे काम ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने ही वाला है। ये देखें छोटा सा एरिया रह गया, इसके साथ साथ जो सामने आप एक ग्रिल देख रहे हैं जो बी स्टैंड के ऊपर जितने भी स्टेयर्स हैं वहाँ पे इसी तरह से सेफ्टी ग्रिल्स भी लगाएंगे, तो ये बहुत ही आसान काम है, बाद में भी कर सकते हैं इंशाल्लाह जैसे ही बड़ा काम ख़त्म हो जाए। अच्छा तो सामने आप एलईडी स्क्रीन देख रहे हैं, वहाँ पे जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही एलईडी स्क्रीन की इंस्टॉलेशन की है, इसके अलावा कोई
कंक्रीट वगैरह का काम भी नहीं हुआ या कोई सेक्शन पे कोई काम नहीं हुआ, तो सिर्फ वहाँ पे जाके आप लोग एलईडी स्क्रीन दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लोज़ व्यू आप लोगों को मैंने स्क्रीन का दे दिया है। तो सेम टू सेम उसी तरह से इंस्टॉलेशन वहाँ पे भी कर लिया, बाकी आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि स्क्रीन दोनों के दोनों कंप्लीट कर दिए हैं, हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम में भी और अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम दोनों में एलईडी स्क्रीन अभी कंप्लीट कर ली है। खैर, ये तो पाकिस्तान का पहला डबल टीयर क्रिकेट स्टेडियम है, तो यहाँ पर तो लाजमी है PSL। बाकी हयातबाद का कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंड भी है, कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी यहाँ की है। 35,000 कैपेसिटी सबसे पहले यहाँ पर बता रहे थे, लेकिन फिर जिस तरह से ये आप स्टेयर्स देख रहे हैं ना बीच में हर एक सेक्शन में, तो इस वजह से अभी कमी आ सकती है। तो कैपेसिटी में कमी आ गई है मेरे ख्याल से, तकरीबन 20,000 तक तो आ गई होगी 35 से, लेकिन डबल टीयर चूंकि स्टेडियम है तो मज़ा भी आएगा यहाँ पे PSL के मैचेस का। बाकी साइज़ को लेके आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल ऑफिशियल लेंथ पे ही है, यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं, इस चीज़ को लेके आप परेशान ना हो कि यहाँ पे मैचेस नहीं हो सकते। तो मैचेस ज़रूर होंगे, मैंने अभी बिल्कुल परफेक्ट तो मेजर नहीं किया, लेकिन 155 मीटर तक ओवरऑल आप कह सकते हैं, स्ट्रेट बाउंड्री से लेके वहाँ तक 55 मीटर आप लोग ये पीछे बाउंड्री कह सकते हैं, तो यही लगभग आसपास है और यही इंटरनेशनल कैटेगरी में ये स्टेडियम फॉल कर रहा है। तो इंशाल्लाह साइज़ को लेके कोई इशू नहीं है, बाकी काम आप लोगों के सामने है, जितना भी हो रहा है तेज़ी से हो रहा है। अच्छा, अब मैं बी स्टैंड से नीचे उतर आया हूँ, क्योंकि ऊपर जितना काम था वो दिखा दिया है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि जो पेशावर के शायकीन हैं इतनी कड़क धूप में, ये देखे भाई, आए हाय हाय हाय, क्या ही छक्का मारा है, नहीं सॉरी यार चौका मारा है, लेकिन शॉट ऐसी लगाई है, मैं समझा कि ओह गुड एफर्ट यार, डाइव आप लोगों ने चेक की यार, बंदे ने बहुत अच्छी एफर्ट की है। कड़क गर्मी में लोग आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मैं स्टेडियम के ठीक बाहर आ चुका हूँ इस मेन एंट्रेंस के थ्रू, और बाहर मैं आप लोगों को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप लोग बाहर तो नहीं देखते, ना ही आप लोगों को पता चलता है, स्टेडियम के बाहर भी काम हो रहा है, जो टफटाइलें हैं उसको यहाँ पे सजा दी है। ये आप लोग देख लें, एक बहुत ही बड़ा वाटर टैंक, बड़े दिन बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो ये एक नया वाटर टैंक इन लोगों ने बनाया था पेशावर क्रिकेट स्टेडियम के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो टफटाइल वर्क है वो भी कंप्लीट कर दिया है। तकरीबन 40 दिन पहले मैं जब यहाँ देख रहा था तो मिट्टी मिट्टी थी, और टक शॉप्स हैं, आप लोग यहाँ से स्टफ्स वगैरह भी बाय कर सकेंगे, स्टेडियम के उस तरफ भी टक शॉप्स हैं, हर तरफ टक शॉप्स ही टक शॉप्स हैं। तो ये आप लोगों को मैंने काम दिखाना था स्टेडियम के बाहर, देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पे टफटाइल वर्क भी कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को कर दे लाइक, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, मैं इसी तरह से क्रिकेट से रिलेटेड आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ, डेली ना हो लेकिन एक दो दिन बाद ज़रूर शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।